नमस्कार दोस्तों, होम गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हमने ऑनलाइन कुछ प्लांट्स मंगवाए थे, उन्हीं में से एक प्लांट वाटर एप्पल प्लांट आज हम लगाने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसको चार नामों से जाना जाता है, वाटर एप्पल, वैक्स एप्पल, रोज एप्पल और जामरूल। देसी भाषा में इसको जामरूल बोलते हैं इंडिया में, बाकी इसका इंग्लिश नाम वाटर एप्पल है। इसकी कई वैरायटी आती हैं, इसकी थाई वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है, उसमें भी आप बिग साइज़ फ्रूट का प्लांट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये साल में दो बार फल देता है और इसके फ्लावरिंग का टाइम फरवरी मार्च का महीना होता है और एक सर्दियों में सेप्टेम्बर के आसपास फल देता है। इसका फल स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है और थोड़े टाइम बाद में कलर देना स्टार्ट करता है। तो ये तीन कलर का फल लग सकता है इसमें, रेड कलर का या फिर पिंक कलर का या वाइट कलर का, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा प्लांट मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये देखिए, ये पिंक कलर का फल है। इसके अलावा इस प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, अगर इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर साल में आप एक दो बार फर्टिलाइज़र देंगे तो भी चलेगा, बड़ा इजीली ग्रो होता है। बाकी ये बाहर के देश की वैरायटी है जो आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पसंद की जा रही है और काफ़ी सारे फार्मर, हमारे किसान भाई इसको खेतों में लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप भी चाहें तो अपने घर में या खेत में इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके पत्ते देखिए आप, थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं इसके। और ग्राफ्टेड प्लांट अगर आप लगाएंगे तो ये एक साल के अंदर ही फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा और एक दो साल बाद में सैकड़ों हज़ारों की मात्रा में फ्रूट लगेंगे। और इसका फ्रूट डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसको कैसे लगाएं। हम फर्टिलाइज़र के लिए वर्मी कंपोस्ट, NPK और थोड़ी मात्रा में फोरेट डालेंगे ताकि दीमक ना लगे, और मिट्टी का अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद आराम से इसकी पैकिंग को खोल के और अच्छे से इस प्लांट को खोल लेते हैं, पन्नी को रिमूव करेंगे, ध्यान रहे इसकी रूट्स को डैमेज ना हो सके। तो इसकी मिट्टी को नहीं हटाएंगे हम, बड़े आराम से इसकी पन्नी को निकाल के और ऐसे के ऐसे इसको मिट्टी में लगा देंगे। इसकी रूट्स थोड़ी नाजुक होती हैं, एक बार जड़ पकड़ लें तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ये प्लांट आराम से नए पत्ते निकाल देता है कुछ दिनों में ही। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिट्टी में लगा के और मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए और उसके बाद पानी देके इसकी सारी एयर अच्छे से निकाल दीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी प्लांट को लगाने का। अगर इसमें एयर रह जाएगी तो प्लांट्स का जलने का खतरा रहता है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसकी सारी एयर निकल जाए, अच्छे से पानी एक बार डाल दीजिए इसमें। हमने दो वैरायटी के वाटर एप्पल प्लांट मंगवाए थे, वाइट कलर का और रेड कलर का। तो हमने वाइट कलर का वाटर एप्पल प्लांट लगा दिया है और ये रेड कलर वाला है, इसको भी हम आराम से उसी तरीके से मिट्टी में लगा देंगे। आप चाहें तो इसको कंटेनर में भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको 12x12 का कंटेनर लेना होगा। कंटेनर में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और आप अपने रूफ टॉप पे या घर के अंदर लगा सकते हैं। बस इसको ध्यान रहिए कि इसको थोड़ी सी धूप एक्स्ट्रा चाहिए, तो धूप के अंदर ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ धूप अच्छी आती हो। बाकी साल में ये दो बार फ्रूट देता है तो आप लाजवाब फ्रूट का आनंद ले सकते हैं अपने घर में लगा के।
तो ये देखिए हमने इसको भी बड़े आराम से मिट्टी में लगा दिया है। इसको भी अच्छे से पानी देके रख देंगे, और प्लांट लगाने के 1-2 दिन तक आप कंटिन्यू पानी दीजिए। बाकी इसकी सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर इसका पानी इकट्ठा होगा तो इसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं। तो अच्छे से पानी देके आप ये प्लांट लगा दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।